जोमैटो, इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। जोमैटो के लिए एक बड़ी खबर है, अब ब्लिंकिट की वैल्यूएशन के मामले में जोमैटो को पीछे छोड़ा जा रहा है, यानी कि जोमैटो अपनी वैल्यूएशन तो रख रहा है बट ब्लिंकिट को बाजार और बड़ा मल्टीपल देने की तैयारी में। क्या है ये एक्शन, एक बार समझते हैं। गोल्डमैन की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है, आशीष बताइए क्या कह रही है ये रिपोर्ट। दीपांशु, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहां पर ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से क्विक कॉमर्स में एक बड़ी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, अब ब्लिंकिट वैल्यूएशन के लिहाज से जैसे कि आपने बताया जो मल्टीपल्स ब्लिंकिट को मिल रहे हैं वो फूड डिलीवरी बिजनेस से ज्यादा है और ट्रेंड काफी इंटरेस्टिंग है। ब्लिंकिट की वैल्यूएशन अगर आप देखें तो बढ़कर अभी $13 बिलियन के आसपास है और 2022 में जोमैटो ने $60 करोड़ के आसपास जो है इसमें खरीदारी की थी, वहां से ग्रोथ का ट्रेंड काफी बढ़िया है। लेकिन इसको और आसानी से समझने के लिए जो पर शेयर की वैल्यू निकल कर आती है इसका ट्रेंड मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। मार्च 2023 में अगर आप देखें तो फूड डिलीवरी की जो वैल्यूएशन थी वो ₹48 प्रति शेयर के आसपास थी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अब अगर आप देखें तो ब्लिंकिट की जो वैल्यूएशन थी उसमें ग्रोथ काफी आई है, तब ₹16 प्रति शेयर की जो है वैल्यूएशन दी थी। Q4 FY23 में अगर आप देखें तो ₹50 फूड डिलीवरी की वैल्यू थी, ₹17 ब्लिंकिट की। अब अगर आप देखें तो 119 फूड डिलीवरी बिजनेस को ऑर्डर किया जा रहा है और ₹98 जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लिंकिट की वैल्यूएशन यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कारण ये कि इस सेगमेंट में अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है और ब्लिंकिट और की जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है इसमें जिस प्रकार का CAGR ग्रोथ देखने को मिल रही है मान रहे कि बड़ी बढ़त यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। अच्छा, अच्छी बात यह भी है कि बड़ी ग्रोथ और अच्छे रनअप के बाद इनफैक्ट 40 से सीधे ₹200 तक के स्टॉक एक तरफा तेजी यहाँ पर आई है, लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स मान रहे कि जोमैटो 0.9 times पर चल रहा है और MSCI इंडिया कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्टॉक्स हैं ये अगर आप देखें तो 3.2 times, यानी अभी भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है, हेडरूम है, यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है और इसी के चलते इन्होंने खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस 170 से बढ़ाकर 240 कर दिया। ओके, 240 का टारगेट प्राइस दे दिया है। ब्लिंकिट के वैल्यूएशन अब अच्छी मिल रही है, जोमैटो को अच्छी वैल्यूएशन दी जा रही है और स्टॉक में भी आपको एक्शन दिखाया। अनिल जी का फेवरेट रहा है, कई टारगेट्स आ चुके हैं, कई और टारगेट्स इसमें आने भी हैं, तो जोमैटो इस पर करना है फोकस। एक्शन में ये काउंटर भी आपको दिख सकता है और रिसेंटली कई सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी रिकमेंडेशन हमने जोमैटो पर आती हुई देखी थी, आज भी अच्छे कमाल ही कर रहा है ये काउंटर। इनफैक्ट आशू जी, मुझे याद है 15 तारीख को जब आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेल इन सब की बात करी थी तो जोमैटो आपके भी रेडार पर उस समय आया था सर। दीपांशु, पिछले एक साल से ये, और मैंने ये कई बार डिस्क्लेमर ऑन एयर दिया है कि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक जब हमने 85 से 100 रुपए में जो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए खुद बाय किया था, क्योंकि नॉर्मली मैं मतलब नहीं करता हूँ बट बहुत सालों बाद, तो वो तब से दीपांशु आई एम होल्डिंग, पार्शल प्रॉफिट बुकिंग भी की है अभी के लेवल्स पे, बट दीपांशु आने वाले टाइम में बहुत अच्छा लगता है और मैंने कई बार इसको वर्ल्ड कप से पहले आइडेंटिफाई किया था कि जहां भीड़ होगी, जब भी मतलब एक नेशन वाइड भीड़ का वो होगा तो जोमैटो तब तब और फ्लरिश करेगा, वो क्वार्टर बढ़ के आएगा। और अब नेक्स्ट मैंने उससे पहले भी बोला था, IPL में भी जितना ज्यादा लंबा IPL चलेगा और उसके बाद ये इलेक्शन में भी दीपांशु इतनी मीटिंग, जितना सब कुछ हो रहा है सब पे, तो क्या कोई घर पे खाना बन रहा है क्या? 50-50, 100-100 लोगों की, 200-200 लोगों की मीटिंग्स होती हैं, तो या तो हलवाई बैठता है या जोमैटो से आता है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नंबर्स में आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी। तो जब भी एक वो मॉब, एक वो सेलिब्रेशन वाला या मीटिंग वाला या किस तरह का मॉब या भीड़ होगी, तब तब जोमैटो को और स्विगी को इनको बहुत फायदा होगा। तो बने रहे दीपांशु, मतलब इन एंड आउट करते रहे, बट इसमें इन एंड आउट में कोई बहुत ज्यादा ना मजा नहीं आ रहा, मतलब ये इनके लिए नीचे ही नहीं आता, मतलब पहले 130-140 पे स्टेबल हुआ, फिर 60-70 पे हुआ, अब 180-90 पे हुआ, तो इन एंड आउट 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 हो जाता है, लेकिन इनका मौका नहीं मिल रहा। दीपांशु, एक मेरा सवाल है कुणाल जी से, अगर आप अलाउ करें, अगर टाइम हो तो पूछना है मुझे। बताएं आशु जी, क्या है आपका सवाल? कुणाल जी, आपके लिए आ रहा है सवाल सर। बताइए। नहीं, मैं ही बोल रहा था दीपांशु, जिस तरह से ये स्प्रेड फीवर इतना इन्फेक्शियस हो रहा है और राकेश जी जैसे चार्ट कॉर्नर से अलग हुए, स्प्रेड्स में आ गए, तो कुणाल जी भी स्प्रेड कभी देंगे या कभी नहीं देंगे, या उन्होंने कसम खाई है कि नहीं देंगे, या उनको उनके मन में ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो कॉपी हो जाएगा या पहले किसी ने शुरू किया, मतलब उनका क्या, मतलब नेशन वॉन्ट्स टू नो कि वो स्प्रेड देंगे कभी कि नहीं देंगे, या उनका डेब्यू कैसे होगा, क्योंकि फिर मैं IPL की तरह उनको वो जैसे जिसका डेब्यू होता है ना कैप देते हैं, तो उनका डेब्यू स्प्रेड जब आएगा तो मैं सेलिब्रेट करूंगा, पार्टी दूंगा उनका, तो आएगा कि नहीं आएगा?